गुड मॉर्निंग सर। अभी तो दिस इज अ वीक जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर्स आने वाले हैं, तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। सर, HCL टेक के नतीजे आपको अगर आप देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर क्वार्टर वाई वाई आपको बुरे ही दिखेंगे, बट सर इसमें बहुत वन ऑफ्स थे। अगर आप वन ऑफ्स निकाल देते हो, बिकॉज इसका एबिट मार्जिन उसमें बोनस का 250 बेसिस पॉइंट और इम्पेयरमेंट चार्जेस थे 60 बेसिस पॉइंट बिकॉज ऑफ कोई IP रिलेटेड लाइसेंस इशू था IBM के साथ और वेज हाइक्स भी हुई थी। अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं सर तो नंबर्स उतने खराब नहीं थे। अगेन सर, इस स्टॉक में 3-4 दिन से शॉर्ट्स चल रहे हैं, मार्केट में सब बातें चल रही थी खराब आएंगे, बट जो नंबर खराब आए हैं सर वो वन ऑफ के कारण ही है, अदरवाइज नहीं है। तो इंपॉर्टेंटली सर 2-3 चीजें इसमें, एक तो गाइडेंस अच्छी है सर, बाकी जो एक्सपेक्टेड था वैसे गाइडेंस आई है। आई थिंक मेरे हिसाब से 2 चीजें जो बहुत अच्छी है, 3 चीजें एक्चुअली जो अच्छी हैं वो है सर, इन्होंने हाईएस्ट एवर डील साइन की है लास्ट क्वार्टर में। आई थिंक इट वॉज नियरली $3.1 बिलियन विच इज अप 49% YoY। ये हाईएस्ट एवर पाइपलाइन है कंपनी की। दूसरा सर, उसने डिविडेंड पे आउट इंक्रीज कर दिया है जो अच्छा है। और तीसरा सर, वैल्यूएशन के हिसाब से ये जो स्टॉक है आपको पता है मिड कैप में किस तरीके से स्मॉल कैप में लोग बोल रहे हैं, अभी भी सर ये 16 टाइम्स FY23 EPS ट्रेड करता है। सो सस्ता स्टॉक है सर, अराउंड 20-35% ये विप्रो, इन्फोसिस, TCS से सस्ता मिल रहा है सर। एक और चीज बताता हूँ सर, इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम है विप्रो से, डिस्पाइट इसका जो फ्री कैश फ्लो है वो 36% हायर है विप्रो से। सो वैल्यूएशन इसकी तरफ है, डिविडेंड पे आउट अच्छा था, डील्स बहुत अच्छी हुई हैं। सो मेरे हिसाब से नंबर्स वर ओके कंपेयर टू व्हाट द मार्केट रूमर्स वर।